मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होंठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में श्री राम वन पथ गमन पर्यटन स्थल का भूमि पूजन 1 नवंबर राज्य उत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से इसका भूमि पूजन किया है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ मार्ग निर्माण के शिलान्यास से छत्तीसगढ़ सहित समूचा भारतवर्ष, देश विदेश में शिवरी नारायण को विशेष पहचान मिलेगा। छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु देश और विदेश में इसकी ख्याति जरूर मिलेगी। इस शिलान्यास के शुभ अवसर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण धार्मिक नगरी को एक नई पहचान देते हुए देश व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दिए। धार्मिक नगरी शिवरी नारायण महानदी के तट पर स्थित है। धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में अनेकों देवी देवताओं के मंदिर हैं और सुंदर जगह भी है, जिनकी पौराणिक धार्मिक मान्यता के अनुसार गुप्त तीर्थ राज प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पुराणों में उल्लेख है, धार्मिक नगरी शिव नारायण का धर्म और अध्यात्म की धारा के नाम से इसे जाना जाता है। नारायण स्वामी साक्षात यहाँ पर विराजमान है और माता सबरी की जन्मभूमि के नाम से इसे विशेष रूप से जाना जाता है। और श्री राम वन पथ गमन परिपथ योजना अंतर्गत यहाँ पर शिवनारायण को विशेष स्थान मिला है। प्रमुख रूप से 9 स्थानों को चयनित किया गया है और कुल टोटल 51 जगहों पर, लेकिन उसमें प्रमुख रूप से जो जिला जांजगीर चांपा का जो धार्मिक नगरी शिवनारायण उसे यहाँ पर चिन्हांकित किया गया था, जहाँ पर आज महानदी चित्रोत्पल गंगा त्रिवेणी संगम के तट पर यहाँ पर भव्य रूप से यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। प्रमुख रूप से गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंतराम सुंदरदास जी महाराज केकर कमलों से यहाँ पर शुभारंभ हुआ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के वे वर्चुअल के माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। माता शबरी की जन्मभूमि है और भगवान श्री राम वनवास काल के समय शिवरी नारायण से होकर गुजरते हुए आगे बढ़े थे, ऐसी मान्यता है। धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में पर्यटक श्रद्धालु दर्शन लाभ हेतु प्रतिदिन पहुंचते हैं। और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उनके पूरे सरकार को, मैं सभी मंत्रिमंडल को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं उस दिन को भी याद कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जब शिवनारायण आए थे तब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने उस दिन कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता यदि हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी तो शिवनारायण का निश्चित हम लोग विकास करेंगे, ये वो कह के गए थे। आज वो अपने बातों को चरितार्थ कर रहे हैं और हमारे जांजगीर जिला का विशेष करके शिवनारायण खरौत के सौभाग्य है कि आज स्थापना दिवस के पावन अवसर पर श्री राम वन पद गमन का परिपथ है उसको विकसित करने के लिए आज भूमि पूजन संपन्न हुआ है और हम सब उसके साक्षी हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से शिवनारायण का जो नाम है वह धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व में जाना जाएगा, ऐसे हम लोग विश्वास करते हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ। आज राज्य शासन द्वारा बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत की गई है, साथ ही हमारे ज़िले के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है जो कि राम वन पथ गमन परिपथ मार्ग का शुभारंभ किया गया और आज लोकार्पण किया गया है।
जिसके तहत शिवरी नारायण की पवित्र धरती पर यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया गया है, यहाँ पर लोकार्पण किया गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर सरगुजा से लेकर के बस्तर तक ये जाएगा, जिसमें कि शिवरी पूरी एकरूपता रहेगी और ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये जांजगीर ज़िले के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है कि हमारे पवित्र स्थल शिवरी नारायण से होकर के ये मार्ग गुजर रहा है और यहाँ पे भी कार्य प्रारंभ किया गया है। हमारे शिवरी नारायण आज राज्य के हर क्षेत्र से जानी, हमारे शिवरी नारायण इसमें विख्यात हो गए। आज मंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे हमारे जे हमारे नगर के नाम लाए इस तरह से रोशन करी से और ओकर विकास कार्य ल शुरू करवाई से आज शिलान्यास करवाई है, तेकर वह हम बहुत बहुत आभारी हैं।